Nationalism and imperialism. By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic, liberal democratic sentiment of the first half of the century, but became a narrow creed for the limited hand. Now, जब 19th सेंचुरी का लास्ट क्वार्टर बचा था तब नेशनलिज्म जो है एक तरह से उसकी जो अपने आइडियलिस्ट थे लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट थे जो कि उसकी शुरुआती सेंचुरी में चल रहे थे अब वो काफ़ी हद तक कम हो चुके थे और उनके बहुत ही लिमिटेड एंड्स रह गए थे. ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकम इंक्रीजिंग इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वॉर. और जब भी क्या कहते हैं इस पीरियड में देखा जाए तो जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे अब एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक कि वो आपस में इतना ज़्यादा एक दूसरे को नहीं टॉलरेट कर पा रहे थे कि लड़ने तक को तैयार थे कि आपस में युद्ध भी हो जाए. द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस ऑफ द सब्जेक्ट पीपल्स इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इंपीरियलिस्ट एम्स. जो बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर थी वो क्या कर रही थी, जो भी वहाँ के लोकल लोग थे उनकी जो एक नेशनल एस्पिरेशन जो नेशनल डिज़ायर थी उनको इस तरह से मैनिपुलेट कर रही थी यूरोप के अंदर कि उनकी अपनी जो मेन एम है वो पूरी हो सके या उनको आगे बढ़ाया जा सके. द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ द नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज एन एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स. सबसे सीरियस सोर्स जो नेशनलिस्ट टेंशन का माना जाता है यूरोप के अंदर वो था बाल्कन्स का एरिया जो कि 1871 के बाद की बात है. The Balkans was a region of geographical and ethnic variation comprising modern-day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia and Montenegro, whose inhabitants were broadly known as the Slavs. Balkan जो है एक ऐसा एरिया था जहाँ के लोग इतने सारे थे, इतने अलग अलग variations के थे, geographical variations था, साथ ही साथ वहाँ पे अलग अलग culture के लोग रहते थे और ये वो countries थे जो कि आज की date में Romania है, Bulgaria, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो हैं और यहाँ के लोग जो हैं इनको स्लेव्स कहा जाता था. लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर. बहुत बड़ा एक पोर्शन जो बाल्कन्स का था वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था. द स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सक्लूसिव. अब एक तरफ जो विचार रोमांटिक नेशनलिज्म के फैल रहे थे बाल्कन्स में, साथ ही साथ जो ऑटोमन एम्पायर था उसका भी जो एक उखड़ना था, जैसे वो उनसे सहमत नहीं थी, उससे क्या हो रहा था कि जो ये रीजन है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया था. ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी द ऑटोमन एम्पायर हैड सॉट टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म्स बट विद वेरी लिटिल सक्सेस. पूरी 19th सेंचुरी में जो ऑटोमन एम्पायर है कोशिश करती रही कि अपने आप को कैसे मजबूत करे इस मॉडर्नाइजेशन के थ्रू या इंटरनल चेंजेस करके, लेकिन उसको बहुत कम कामयाबी हासिल हुई. वन बाय वन इस यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनैलिटीज ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस. एक के बाद एक जितनी भी यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनैलिटीज थी वो उससे टूटती चली गई, उसका कंट्रोल उन पे से खत्म होता गया और उन्होंने सबने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया. द बाल्कन पीपल्स बेस्ड देयर क्लेम्स for independence or political rights or nationality and use history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers. जो बाल्कन के लोग थे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस या पॉलिटिकल राइट्स जो है बेसिकली नेशनैलिटी के बेसिस पर क्लेम करी और साथ ही साथ उन्होंने हिस्ट्री को इस्तेमाल किया ये प्रूव करने के लिए कि वो लोग एक बार पहले इंडिपेंडेंट थे पर बाद में जो फॉरेन पावर्स आ गई उन्होंने उनके ऊपर कब्जा कर लिया. Hence, the rebellious nationalities in the Balkans thought of their struggles as attempts to win back their long-lost independence. तो ज़्यादातर जो rebellious यानी कि जो revolt वाली nationalities थी Balkans में, उन्होंने ये माना कि जो हमारा struggle है, ये basically अपनी जो पुरानी हमारी खोई हुई independence आज़ादी है, उसको वापस माने का एक तरीका है. As the different Slavic nationalities struggled to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. अब जैसे अलग अलग स्लेविक नेशनैलिटीज जो थी वो अपनी अपनी पहचान अपनी अपनी आज़ादी को पाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, तो जो बाल्कन एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बन गया था. द बाल्कन स्टेट्स वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स. जो बाल्कन स्टेट्स थे वो एक दूसरे से इतना ज़्यादा जलते थे कि हर एक को ये उम्मीद थी कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा एरिया या ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी अपने पास कब्जे में कर ले दूसरों के. उसमें the matters were further complicated because the Balkans also became the scene of big power rivalry. अब मैटर जो है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था क्योंकि जो बाल्कन्स थे अब वो एक बहुत बड़ी पावर की राइवलरी बनने लग गए थे. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट.
इस पीरियड के दौरान क्या था, बहुत ज़्यादा दुश्मनी चल रही थी यूरोपियन पावर्स की आपस में, चाहे ट्रेड को लेके, कॉलोनीज को लेके, यहाँ तक कि नेवल और मिलिट्री फाइट को लेके। दीज राइवलरीज वर वेरी एविडेंट इन द वे द बाल्कन प्रॉब्लम्स अनफोल्डेड। अब ये जो राइवलरीज थी, ये जो दुश्मनी थी, वे इस बात से और ज़्यादा प्रूफ होती है कि जिस तरीके से बाल्कन की जो प्रॉब्लम्स थी वो बाहर निकल रही थी। हर पावर जो थी, ईच पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, वॉज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बाल्कन एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द सी। जो भी ताकतें थी, जैसे कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड या ऑस्ट्रो हंगरी, ये हर एक को ये चाह रही थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा औरों की पावर को ले लें बाल्कन के ऊपर और अपना कंट्रोल जो है सी पे ज़्यादा कर लें। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इससे क्या हुआ, बहुत सारे इस एरिया में वॉर्स हुए और फाइनली क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। अब एक तरफ नेशनलिज्म था और दूसरी तरफ वो इंपीरियलिज्म के साथ मिल गया, तो जिससे क्या हुआ, यूरोप और ज़्यादा डिजास्टर की तरफ चला गया 1914 में। बट मीनवाइल मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर्स इन द 19th सेंचुरी बिगन टू इम्पोज अपोज इंपीरियल डोमिनेशन। अब दूसरी तरफ क्या होता, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी दुनिया में जिनको यूरोपियन पावर्स ने कॉलोनाइज किया हुआ था 19th सेंचुरी के अंदर, और वो भी जो है इस इंपीरियल डोमिनेशन का, यानी ये जो रॉयल डोमिनेशन था, इसका विरोध करने लग गई। इंपीरियल मतलब होता है कि रूल बाय अ रूलर। द एंटी इंपीरियल मूवमेंट दैट डेवलप एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट एंड वर इंस्पायर्ड बाय अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी फॉर योर कन्फ्रंटेशन विद इंपीरियल। अब ये जितने भी एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स हो रहे थे, ये हर जगह डेवलप हुए, जो वो नेशनलिस्ट थे, ताकि मतलब जैसे कहना चाहिए कि उन सब में एक जो स्ट्रगल हो रहा था वो इस बेसिस पे हो रहा था कि सबको इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनना था, और वो सब के सब इंस्पायर हो रहे थे एक कलेक्टिव नेशनल यूनिटी, सब में एक राष्ट्रीय एकता का जज्बा जो है वो डेवलप हो रहा था। साथ ही साथ वो जो इंपीरियलिज्म था वो उसके खिलाफ थे। यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर नाउ वेयर रेप्लिकेटेड फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म। जो यूरोपियन आइडियाज थे नेशनलिज्म के, अब उनको कोई नहीं दोबारा रिपीट कर रहा था, क्योंकि जो लोग थे हर तरफ, उन्होंने अपने खुद के अलग अलग तरीके के नेशनलिज्म के आइडियाज डेवलप कर लिए थे। बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू नेशन स्टेट केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। लेकिन ये जो आइडिया था कि जितनी भी सोसाइटीज हैं उनको जो है एक नेशन स्टेट के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दिया जाए, ये पूरी तरह से नेचुरल था और यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट किया गया। तो बच्चों, चैप्टर समझ में आया, अच्छा लगा, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आस्था एजुकेशन। बाय।